यार जो मोटो पहले भर भर के सामान देता था ना, अब सिर्फ कोस कटिंग करने लग गया है। सच्चाई है भाई ये। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मोटो G34 5G स्मार्टफोन को मोटो G54 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि मोटो G34 के अंदर हमें 6.5 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना सिर्फ और सिर्फ मोटो G54 स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फुल HD+ पैनल मिल रहा है। भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार ये G34 की तरह नहीं कि सिर्फ HD+ देके भाई काम ही मुका दिया, बिल्कुल एवरेज वाली डिस्प्ले आपको मोटो G34 के अंदर मिल रही है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोटो G34 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर मोटो G34 स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, भी अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो मोटो G34 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 के अंदर हमें डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो G54 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7020 मिल रहा है जो कि सही में एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो G34 की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों मोटो G34 का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया फोटो आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप मोटो G34 के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं किसने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। लेकिन यार जो इसका सेकेंडरी कैमरा है ना 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, भाई सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए यार अगर आपको ओवरऑल बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए ना भाई, तब भी आप यहां पर मोटो G54 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि पहली बात तो इसका जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम अच्छी वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। और साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है जो कि सच में एकदम बढ़िया वाली फोटो आपकी क्लिक कर देगा। ये तो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा से काम ही मुका दिया, माड़े हाल है मोटो वालों के तो। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो G34 यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, तब भी G54 की तरफ ही जरूर से जाइए। यहां भी इन्होंने बताओ कोस कटिंग ही करी है। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी लवर के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। भाई दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा के सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इन्होंने सेल्फी को कितनी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में कैप्चर किया है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो मोटो G34 यहां पर 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 यहां पर 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में भी G54 स्मार्टफोन ही विनर है। इनकी तो क्या ही बात करें, सिर्फ कॉस्ट कटिंग ही यार। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक और स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन के अंदर दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो
तो आपको बता दो कि दोनों फोन्स के 8+128GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 14,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोटो G54 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी डिपार्टमेंट सब कुछ ही बढ़िया मिल रहा है। तो भाई बढ़िया डील तो यही है, HD+ देके भाई काम मुका दिया, बिल्कुल ना ही लेना इस फोन को तो भाई। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।